ये बकरा बूथ उतारेंगे, उस बूथ को उतारने में जो भी करना पड़ेगा वो आप कर कहिएगा, हम डंडा फसार लाद जूता पढ़ाई पैसा कौड़ी दारू धरकर दूध जीतने के लिए जो करेंगे हम सब काम करेंगे। ये है बीजेपी नेता राम सेवक पटेल। इस जनसभा में ये अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को कह रहे हैं, यहाँ तक कि दंगा कराने को भी तैयार हैं। एक बार फिर सुन लीजिए बीजेपी नेता अपने समर्थकों को किस तरह से उकसा रहे हैं। ये बकरा बूथ उतारेंगे, उस बूथ को उतारने में जो भी करना पड़ेगा डंडा फसार लाद जूता पढ़ाई पैसा कौड़ी दारू धरकर दूध जीतने के लिए जो करेंगे हम सब काम करेंगे। ये वीडियो प्रयागराज के मांडा इलाके का है। ये जनसभा प्रयागराज के मांडा इलाके से बीजेपी प्रत्याशी नीलम करवरिया के समर्थन में हो रही थी। इसी जनसभा में बीजेपी नेता राम सेवक पटेल ने ये बात अपने समर्थकों से कही। नेताजी इस पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक जाति विशेष के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये आप अलीगढ़ के इस वीडियो से भी समझ सकते हैं, जहां थाने में पूर्व बीजेपी सभासद पूर्व मेयर के सामने आग लगवाने की धमकी दे रहा है। योगी सरकार में दिनों दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव योगी सरकार से खराब होती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सावधान भी करते हैं। जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। चुनाव का तीसरा चरण 20 फरवरी को है। दो चरणों में हुई वोटिंग में जनता के मिले जबरदस्त समर्थन से समाजवादी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अखिलेश यादव की जनसभाओं को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ता जा रहा है। इसको बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव समय समय पर अपने समर्थकों को ताकीद करने के साथ उनका उत्साह भी बढ़ाते रहते हैं।